हेलो फ्रेंड, मैं हूं नरेंद्र गौड़। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा A2Z। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि रेलवे में RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें दोस्तों वैकेंसी निकली है और इसमें केवल 10th पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्टेट का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सके, तो ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों कोई इंटरव्यू नहीं होगा, एग्ज़ाम के बेस पर ये आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और इसमें जो एज लिमिट है और लास्ट डेट है, उसके बारे में आगे अपन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, हो सकता है ये वैकेंसी आपके काम की हो। तो शुरू करते हैं आज की वैकेंसी RPF की। तो पहले जो वैकेंसी है उसका नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF में ये वैकेंसी निकली है दोस्तों। इसमें पदों की बात करें तो पद किसके हैं, तो आपके कांस्टेबल के पद हैं दोस्तों और टेलर के भी पद हैं। इसमें दोस्तों ज़्यादातर पोस्टें ट्रेड से हैं। अब बात करते हैं टोटल पोस्टों की, तो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों आपकी 798 पोस्टें हैं दोस्तों टोटल। अब बात करें ट्रेड की, तो किस ट्रेड में कितने पद हैं, तो देखो दोस्तों, ये सभी वैकेंसी हैं जो कि कांस्टेबल और टेलर की हैं, जिसमें कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं बार्टर करियर की, जिसमें 452 पद हैं दोस्तों। सफाई वाले के 199 पद हैं दोस्तों। बाशर में धोबी के 49 पद हैं दोस्तों। बारबर के भी 49 पद हैं। माली के 7 पद हैं दोस्तों। टेलर के 20 पद हैं और केबलर के दोस्तों 22 पद हैं। इस तरह से टोटल पद आपके 798 पद हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैं बार्टर कैरियर के। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने 10th किसी भी बोर्ड से किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की दोस्तों, तो जो कैंडिडेट दोस्तों जनरल OBC से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एग्जाम फीस 500 रुपये दोस्तों। और जो कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल हैं, उनके लिए इसमें फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो, उनके लिए 250 रुपये चार्ज है दोस्तों एग्जाम फीस का। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, तो एज लिमिट की मैं आपको बता दूं, 1/1/2019 तक अगर आपकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एज रिलैक्सेशन, जो एज में छूट दी गई है, तो वो गवर्नमेंट रूल के अनुसार है। OBC को 3 ईयर की एज में छूट है और SC ST को 5 ईयर की एज में छूट है। तो लगभग OBC के 28 साल के जो युवा हैं 28 तक, वो अप्लाई कर सकते हैं और SC ST के 30 साल तक के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी कितनी दी जाएगी, तो दोस्तों जो 1 से 5 तक जो मैंने पोस्टें अभी आपको पीछे बताई थी, उन सभी में सैलरी 21,769 रुपये के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। और जो लास्ट मैंने दो पोस्टें बताई थी केबलर और टेलर की, उसमें 19,900 से 63,200 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी दोस्तों। ये हो गई दोस्तों सैलरी की बात। और उसके ऊपर जो भत्ते होते हैं दोस्तों, महंगाई भत्ता और आपको TA DA जो मिलते हैं, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो रूल है या उस हिसाब से दिया जाता है, वो आपको अलग से दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद आपकी फिजिकल एपेंसी टेस्ट होगा दोस्तों, वो होता है जैसे रनिंग आपका और लंबी कूद हो, ये होता है वो होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, जिसमें आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी, चेस्ट वगैरह नापा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जिस ट्रेड से इसका फॉर्म भरेंगे, उसका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में होता है वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इस प्रकार आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी दोस्तों। अब बात करते हैं डेट की, तो याद रखने वाले डेट, तो आपको मैं बता दूं, ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2019 से, और इसकी लास्ट डेडलाइन है दोस्तों 30 जनवरी 2019 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianrailway.government.in, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया दोस्तों, वहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा, मैंने लिंक नीचे दे दिया, जैसे ही वो ओपन होगा आप वहाँ से फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई शंका है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी क्वेश्चन
कर सकते हैं। और कमिंग सून जॉब्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन किसी ना किसी लेटेस्ट जॉब्स के बारे में बताया जाता है। और मैं आपको बता दूं, प्रत्येक मंडे को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक रोजगार समाचार का वीडियो अपलोड किया जाता है प्रत्येक मंडे को, जिसमें मैं प्रत्येक वीक में जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हैं 15 से 20 वैकेंसी के बारे में मैं बताता हूँ जो ऑल इंडिया में निकली हुई हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो अभी मैंने लास्ट मंडे को अभी डाउन इस पर अपलोड की थी, तो वहाँ से भी आप काफ़ी सारी वैकेंसीज के बारे में जान सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।